दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही नेक्स्ट वेव का वीडियो प्रोफाइल का इंट्रो क्रैक किया और इनकी ज्वाइनिंग आज ही हुई है। तो आप लोगों के बहुत डाउट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें इतने दिन हो गए वीडियो सबमिशन किया, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ लोग बार बार सबमिट करें, काफी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। तो आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई इनका इंट्रो एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा पूरा प्रोसेस था। तो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव रिया विद अस, जिन्होंने रिसेंटली ही नेक्स्ट वेव का वीडियो प्रोफाइल का इंट्रो इन्होंने क्रैक किया और इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। सो रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, बिकॉज नेक्स्ट वेव की रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर। सो रिया, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। सो हाई एवरीवन, मेरा नाम रिया रॉय है, मैं बेसिकली देवघर झारखंड से हूँ और मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीएससी से, विच इज़ बैचलर्स इन साइंस एंड बायोलॉजी ऑनर्स से, और मैं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी देवघर इटसेल्फ से, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अभी मैंने आकाश सर की ही प्रोवाइडेड लिंक से नेक्स्ट वेव के लिए अपलोड किया था अपना रिज्यूम एंड एप्लीकेशन, एंड फाइनली मैं उनकी वजह से ही आज सेलेक्ट हो गई हूँ, एंड मेरी ये ड्रीम जॉब उन्हीं की वजह से आज मुझे मिली है। चलो भाई, मेरी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से आपको। और रिया, सबसे पहला सवाल, हालांकि चलो ये तो अपने को पता ही है कि नेक्स्ट वे में क्या वर्क रहने वाला है, ऑब्वियसली इनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने उनको सेल करना रहेगा वीडियो प्रोफाइल में, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है रिया कि जब भी हम नेक्स्ट वे में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? टोटल मेरे इंटरव्यू के 2 राउंड्स हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला तो शायद वीडियो असाइनमेंट वाला होगा। जी, तो सबसे पहले मेरा वीडियो असाइनमेंट राउंड था, फिर उसके बाद मुझे एक मैसेज रिसीव हुई कि आपका वीडियो असाइनमेंट राउंड कंप्लीट हो गया और आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्रूव हो चुके हो। देन मेरी एचआर के साथ गूगल मीट पे एक और राउंड हुई। ठीक है, तो मतलब 2 इंटरव्यू के राउंड्स हुए अपने। जी। और रिया, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, एक सवाल मेरा हो रहा है कि आपका जो एचआर के साथ गूगल मीट पे राउंड हुआ या फिर आपने जो वीडियो असाइनमेंट एक अपना वीडियो सबमिट किया, तो वहां पे जो कन्वर्सेशन था आपका, क्या वो प्रॉपर फुल स्टॉप इंग्लिश में था या हिंदी में भी थोड़ी बहुत बात हुई आपकी? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन थी मेरी, वो मेरी प्रॉपर इंग्लिश में हुई थी। फिर एचआर ने मुझे पूछा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैं चेक करना चाहता हूँ हिंदी में, तो उन्होंने मुझे हिंदी में फिर क्वेश्चंस किए, उन्होंने मुझे एक सिनेरियो दिया, फिर उस सिनेरियो को मुझे हिंदी में उन्हें कन्वे करना। ठीक, डन डन डन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ यार, जो अपना ये फर्स्ट राउंड होता है बेसिकली वीडियो असाइनमेंट वाला, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता दो, क्योंकि रिया बहुत लोगों को इसके रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है कि कुछ लोग उस वीडियो को सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने के बाद फिर उनको मैसेज आ रहा है और सबमिट करने का, या कुछ लोगों को पता नहीं लग पा रहा कि उनका वीडियो अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, कैसे आगे राउंड्स हो गए, कितना टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप अपना पहले राउंड का फुल एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि कैसे आपने अप्लाई किया था, कब आपको उनका मैसेज आया, कैसे आपने सबमिट किया, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो सर सबसे पहले तो मैंने जैसे ही अपना वीडियो असाइनमेंट राउंड के लिए, मुझे पहले तो सबसे पहले उन्होंने मटेरियल्स प्रोवाइड किया, जिन मटेरियल्स में मुझे एक वेबिनार और 2 नैरेटिव्स प्रोवाइड किए गए थे, इंग्लिश में एक नैरेटिव थे और एक हिंदी में नैरेटिव थे, दोनों सेम स्क्रिप्टेड थे, तो बस ट्रांसलेशन था, एक इंग्लिश में था एक हिंदी में था, जिसमें आप बोथ में कम्फर्टेबल है, आप दोनों रीड करके आप अपना असाइनमेंट उन्हें सबमिट कर सकते हो। तो फिर मैंने अपना असाइनमेंट कम्प्लीट किया, सबमिट किया, फिर मुझे असाइनमेंट सबमिट करने के 2 दिन बाद मुझे कॉल आई कि आप सेलेक्टेड हो नेक्स्ट राउंड के लिए, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली उसमें मुझे तो ऐसे कोई नहीं आई थी कि आपका 2 और राउंड होगा सबमिशन का या ऐसा, मेरा तो बेसिकली एक ही राउंड हुआ था, उसी में मेरा क्लियर हो चुका था। ठीक है, तो मतलब रिया, जैसे आपने जब अपना वो वीडियो सबमिट कर दिया लिंक पे जाके, तो जो नेक्स्ट वेव का आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप एक बोट मैसेज होता है जो रोबोटिक अपने आप मैसेज अपने को आता है नेक्स्ट वेव की तरफ से, तो आपने जैसे बताया कि आपको एचआर का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि आपका वीडियो अप्रूव हो गया और अब आपका वीडियो राउंड है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज आया था नेक्स्ट वेव की तरफ से कि आपका वीडियो अप्रूव हो गया?
जी मुझे व्हाट्सएप पे भी नेक्स्ट वेव के जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से मुझे मैसेज आई थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, आपका जो फर्स्ट राउंड है, जो वीडियो असाइनमेंट राउंड है, वो आपका क्लियर हो चुका है, अब आप एलिजिबल हो दूसरे एचआर वीडियो कॉन्फ्रेंस राउंड के लिए। तो ये आपने जब सबमिट किया था वीडियो, तो उसके कितने टाइम बाद आपको ये मैसेज आ गया था? मेरा जो वीडियो राउंड था वो 7th ऑफ मई को हुआ था एंड मुझे 9th ऑफ मई को अप्रॉक्स 2 ऑफ आफ्टरनून में कॉल आई थी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है नेक्स्ट राउंड के लिए। नहीं नहीं, कॉल का नहीं पूछ रहा हूं, मेरी आपसे वो मैसेज का पूछ रहा हूं कि वो मैसेज आपको कब आ गया। जी मुझे मैसेज और कॉल दोनों एक ही टाइम पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों आए थे। जी मुझे सेम टाइम पे, जैसे ही मेरी कॉल एंड हुई थी तो मुझे व्हाट्सएप पे भी तुरंत मैसेज आ रखा था। ठीक है, डन। और इन बिटवीन इन दो दिनों के दौरान आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आया कि आप दोबारा से सबमिट करो या ऐसा कुछ भी? जी नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं कॉल आया। फिर मुझे उसके थर्ड डे, इट मीन्स 10th ऑफ मई को, मुझे अगेन जो दूसरे राउंड का मुझे था एचआर राउंड का, उसका मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया गया एंड देन 11th को मेरा एचआर के साथ गूगल मीट पे इंटरव्यू था। ठीक है। और जैसे ऐसा देखते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक टॉपिक देते हैं जिस टॉपिक पे हमको बोलना होता है, तो मैं चाहता हूँ आप इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा टिप्स दे दो ऑडियंस को कि ये जो फर्स्ट वीडियो असेसमेंट वाला जो राउंड है असाइनमेंट वाला, ये वीडियो किस तरीके से बनाना है, कितने मिनट का हो, कैसे इसमें हमको बोलना है, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी जैसे कि जो लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्हें पता होगा कि वो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस होता है कि आपको हार्डली 4 से 6 मिनट के बीच का आपका वीडियो होना चाहिए। अगर आप उससे हाई मिनट्स के वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो और आपका जो एप्लीकेशन है दोनों रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। सो आपको 4 से 5 मिनट के बीच का और 6 मिनट या मैक्स टू मैक्स का 6 मिनट जाना चाहिए, उसके एक वीडियो बनाना है एंड आपको कंबाइंड वीडियो नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको, जैसे आपको दो सिनेरियो दिया गया है एंड 1 इंट्रोडक्शन था, तो आपको तीनों जितने भी आपके क्वेश्चंस थे तीनों एक ही वीडियो में मर्ज करके बनाना था। ऐसा नहीं कि आपको तीनों सेपरेट वीडियोज में बनाना था। ओके। और आपको जो वीडियो था कंप्लीट करने के बाद आपको उसी मटेरियल में आपको एक फॉर्म लिंक दिया गया था, उस फॉर्म लिंक में आपको गूगल ड्राइव पे अपना वीडियो अपलोड करके उस लिंक को वहाँ पे अपलोड करना था। एंड और एक बात, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ था, आपको सब कुछ बताया गया कि आपको अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे ना, जो एक होता है कि व्यू का ऑप्शन कि आप व्यू टू ऑल करो वहाँ पे, तो वो बहुत नेसेसरी है करना, वरना वहाँ पे जो होंगे हमारे एचआरस और जो भी कंपनीज के हेड होंगे जो हमारा वीडियो असाइनमेंट राउंड देख रहे होंगे तो वो अनेबल हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसे एबल कर दो एवरीवन के लिए। ठीक है, वो गूगल ड्राइव पे जाके। जी ठीक है, आई गेस ये तो रिया वहां पे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रखे हैं कि पहले कौन सा ऑप्शन चुनना है फिर कौन सा ऑप्शन चुनना है। जी जी, वहां पे आपको सारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप कैसे अपलोड करोगे अपना असाइनमेंट एंड ऑल। ठीक है। दूसरी चीज रिया, क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस भी इसमें मायने रखता है इस वीडियो असेसमेंट में? सर देखिए, ये तो आपका कॉमन है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बैकग्राउंड क्या होगा, वो तो आप तक का कॉमन सेंस है कि आप फॉर्मल बन के रहो वहाँ पे, क्योंकि वो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप किसी सीनियर एक्सपीरियंस लोगों से बात कर रहे हो तो वो ड्रेसिंग सेंस वगैरह ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है, बट आपका एक कॉमन सेंस वहाँ पे होना चाहिए। राइट। तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे रिया ये आता है कि जैसे आपने बताया कि वीडियो असेसमेंट में ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन और 2 सिनेरियो, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि पहले तीनों की अलग अलग वीडियोज बनाई, उसको एक सॉफ्टवेयर में मर्ज कर दिया और उस वीडियो को अपलोड कर दिया वहाँ पे? जी आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम में सारे वीडियोज एक ही टाइम में बना दिए थे, क्योंकि मैं नहीं, जी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बीच में कट हो, फिर उन्हें क्योंकि पता चल जाएगा कि आपने कट किया है, फिर प्रिपेयर किया है, फिर किया है, मैंने एक ही बार में वो वीडियो 1 टेक में अपलोड कर दिया था। ठीक है। तो मतलब ये जब आपने वो वीडियो शूट किया, आपने बताया आपने 1 टाइम में सारा बोला, तो जब आप वीडियो बना रहे थे तो क्या कोई भी टॉपिक शुरू होने से पहले आप पहले क्वेश्चन भी आपने वहाँ पे पढ़ा था या सीधे आप आंसर बोल रहे थे? नहीं देखिए, ये तो बेसिक सा है कि आप पहले क्वेश्चन उन्हें बताओ कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को है ना अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो yes. उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हो। तो बेसिकली आपका क्या था कि आप पहले क्वेश्चन रीड करो, जैसे मुझे मेरा क्वेश्चन था कि आप कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे किसी स्टूडेंट को, तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, आप वहाँ पे बोला था, देन मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया था। ठीक है। तो मतलब पहले क्वेश्चन बोलना है फिर अपने को आंसर बोलना है। जी डन। ठीक है। सो रिया जैसे चलो ये अपना सबमिट हो गया, आपने बताया 2 दिन बाद आपको कॉल भी आ गया और आपको मैसेज भी आ गया, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू था जो कि अपना गूगल मीट पे शायद आपने बताया होता है वीडियो इंटरव्यू, तो मतलब ये कितने दिन बाद हुआ फिर आपका?
फिर मेरा 12th of May को रिसेंटली मुझे कॉल आया कि आपके HR के साथ राउंड है. तो जैसे कि मैंने बताया 11th को मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया एंड 12th को शाम में मेरी HR के साथ इंटरव्यू थी. ठीक है ठीक है. तो रिया अब मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में भी बता दो कि ये वाला जो फाइनल राउंड होता है अपना, इसमें आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए, HR ने क्या पूछा आपसे और आपने कैसे इसको करेक्ट किया. जी सो सर, सबसे पहले HR ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा जो कि पूरा प्रॉपर इंग्लिश में था. एंड उसके बाद HR ने मुझे एक सिनेरियो क्रिएट करने को कहा. उन्होंने कहा कि आप एक सिनेरियो क्रिएट करो जिसमें मैं एक स्टूडेंट बन रहा हूँ और आपको आपकी कंपनी और कन्विंस करना है स्टूडेंट को आपकी कंपनी और आपके जितने भी वहाँ पे मटेरियल्स वगैरह दिए जाते हैं उसके लिए आप कैसे उसे कन्विंस करोगे. ठीक है, तो कैसे फिर आपने टैकल किया इसको. जी तो सबसे पहले मैंने सर ने क्रॉस क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने को स्टार्ट किया उन्होंने कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शायद स्टूडेंट्स बोले कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो आप उन्हें कैसे कन्वे करोगे. तो मोस्टली ये था कि आप उन्हें कन्वे करना है किस चीज़ के लिए, कि आप कैसे कन्विंस करो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर रहे थे और आपकी कन्विंसिंग पावर. ठीक है, कि आप कितने पेशेंस क्रॉस क्वेश्चंस को भी हैंडल करते हो. ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए तेरी इस इंटरव्यू में. इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चंस जैसे बेसिक आपका जो वहाँ पे मटेरियल दिया गया था उन्होंने कहा था कि आप अपना मटेरियल सामने रखो, आप उस मटेरियल को गो थ्रू करो और जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके थ्रू उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चंस भी स्टार्ट की थी. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए आपसे. जैसे कि जैसे आप पहले आपको स्टार्ट करना था ग्रीटिंग पार्ट से कि आप किस कंपनी से हो, आपका क्या नाम है, आप किस कंपनी के बिहाफ में बात कर रहे हो. फिर उन्होंने मैंने जैसे बोला था कि आपने वेबिनार हमारा देखा होगा, तो फिर उन्होंने बोला था कि हाँ, तो आप मैंने उन्हें पूछा था कि आप किस कॉलेज बेसिक मैंने उनका इंट्रो लिया कि मैंने उन्हें समझने की कोशिश की कि स्टूडेंट या बच्चा कर क्या रहा है और वो चाहता क्या है, उनकी नीड क्या है. ठीक है, तो मतलब वहाँ पे वो स्टूडेंट बन जाते हैं और हम काउंसलर बन जाते हैं. जी बेसिकली आपको वो सिनेरियो क्रिएट करना होता है कि वो स्टूडेंट बनते हैं और हम काउंसलर्स की तरह उनसे बात करते हैं और कंपनी को इंट्रोड्यूस करना था हमें कि आप कंपनी को कैसे उन्हें बताते हो. ठीक है, तो मतलब ये वाला जो राउंड था अपना रिया, ये अप्रोक्सीमेट कितने ड्यूरेशन तक चला होगा. जी ये मेरा 6 मिनट का था. सॉरी, ये मेरा 6 मिनट का था पूरा. अच्छा, 6 मिनट तक चला आपका राउंड सर. आई जी. ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको फाइनली कब पता लगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं. फिर मुझे सेकेंड डे कॉल आई कि आपका जो वीडियो असाइनमेंट राउंड और ये राउंड है आपने क्वालिफाई कर गया और आप एलिजिबल हो हमारी कंपनी में हायर हो. तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर भेजा व्हाट्सएप पे एंड देन उन्होंने कहा कि आपका 16 से ज्वाइनिंग है. फिर मुझे 15 को मेरी ज्वाइनिंग जो लेटर होती है वो मुझे मेल पे आ गई थी. सुपर सुपर. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा रिया, बिकॉज बहुत सारे फ्रेशर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो शायद पहली बार अप्लाई करे होंगे नेक्स्ट डे में. तो मैं चाहता हूँ जो भी आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपने समझा कि अच्छा क्या चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ लास्ट में मास्टर टिप्स जरूर दे दो कि अगर कोई पर्सन नेक्स्ट डे में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उसको पता होनी चाहिए पहले से जिससे कि उसके सारे राउंड्स क्लियर हो जाएँ. तो सर बेसिकली जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप जो कंपनी के बारे में ना वो उसे रूट टू टिप आप उनके बारे में जान लो, बिकॉज आपका जो बेसिक से जो टिप तक क्वेश्चन होता है ना कहीं ना कहीं ये जो कंपनी से रिलेटेड होता है. तो आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कंपनी से ही रिलेटेड आएंगे, आपको एक्स्ट्रा वो कोई नहीं कुछ क्वेश्चन पूछते और आपको ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. वो जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे उसके आपको सारे मटेरियल्स वो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको एक हेल्प मिल जाती है. और मैं यही बेसिक टिप देना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो कि कंपनी के फाउंडर्स को फाउंडर्स कौन है, कंपनी किसके साथ पार्टनरशिप की है या कंपनी और किसके साथ हायर करती है, हायरिंग उनके कौन कौन कंपनीज है, आप उनके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लो. ठीक है डन. सो मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस खत्म है. आपने बहुत अच्छे से आंसर किया रिया. अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक. जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी या जो अप्लाई करना चाहते हैं कि आप अपना 100% दो, आप घबराओ नहीं, आप ये मत सोचो क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था होगा नहीं होगा, बट मैंने अपनी तरह से अपना 100% दिया था. आप हार्डवर्क रहो, आपको जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आप उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करो एंड बाकी वो जो कंपनी है वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है सारे आपके असाइनमेंट्स के लिए. तो मैं ये बेसिक टिप उन लोगों को देना चाहूँगी कि आप अपना 100% दो, बाकी आपका क्रैक होना इज डेफिनेटली है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आप क्रैक डेफिनेटली कर सकते हो.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मेरी भी यही विशेज है रिया कि आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें। एंड मैं वंस अगेन आपका अगेन थैंक यू करता हूँ कि आप इस चैनल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो उसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू आपको बोलना चाहूँगी कि आज मैं इस जॉब के लिए अगर अप्लाइड हूँ और मैं क्वालिफाई की हूँ तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आकाश सर, बिकॉज उन्होंने अपलोड किया वो वीडियो, मैं उस वीडियो के थ्रू लिंक में अप्लाई किया एंड आज मुझे ये मेरी ड्रीम जॉब मिली है। तो थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, मेरी भी बेस्ट विशेज आपके साथ एंड मैं वंस अगेन आपका थैंक यू करता रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ रिया, जिन्होंने रिसेंटली ही नेक्स्ट वेव का वीडियो प्रोफाइल का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया। आई होप आप लोगों के जो कुछ डाउट्स थे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल दोस्तों, कोई और डाउट हो आपका तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेज, गुड लक, जय हिंद।